हाय गाइस, आज मैं किचन किंग में कच्चे केले के छिलके की चटनी बना रही हूँ। उसके लिए हमने ली है, पहले से हमने केले को बॉईल करके छिलका निकाल ली है, हरी मिर्च, लहसुन, सरसों तेल, एक प्याज, स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में सारा हमने इसमें डाल दिया है, हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक भी हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, इसे थोड़ी देर गर्म होने दे। गर्म होने के बाद अब मैं इसमें, पहले थोड़ी देर गर्म हो जाए, अब गर्म होने के बाद इसमें सरसों तेल, ये देखिए अब गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ, इसमें चार लहसुन, इसे अच्छे से पकने दो। इसमें कटी हुई प्याज, इसे अच्छे से भून लें, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसे भूनते रहें। हमने इसे लो फ्लेम में अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ। ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल के मिक्सी में डालूंगी, उसके बाद उसे पीस कर, ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्सी में निकाल के सारे को पीस लूंगी। देखिए अब हमने अच्छे से चटनी को मिक्सी में पीस ली है। अब मैं इसे एक बॉल में निकालूंगी, अच्छे से हमने इसे एक बॉल में निकाल ली है। ये देखिए हमने निकाल लिया है। अब मैं इसमें नींबू अच्छे से निचोड़ दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ये कच्चे, ये देखिए अब ये कच्चे केले की छिलका की चटनी तैयार है। अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें।